मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल यादव और आप देख रहे हैं हमारे क्लास मीरा क्लास। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को करते हैं साइड में। तो दोस्तों आज हम हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारा चैप्टर है 12 साइंस फर्स्ट यूनिट सेमेस्टर फर्स्ट का सेमेस्टर 2-3 का, तो उसके बारे में हम उसका पहला यूनिट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके तीन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हम आपको बताएंगे और इससे इसका पूरा डेफिनेशन देंगे और नोट्स भी बताएंगे क्या आपको मेन पॉइंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है, तो ये हम पहले करते हैं। तो ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ एटम, सभी ऑब्जेक्ट बनते हैं एटम से। ठीक है, पर एटम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, पर एटम बनता है लार्ज नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से जो होते हैं 100 से भी अधिक वो होते हैं। ठीक है, बट आउट ऑफ देम, पर उनमें से अधिक कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एटम में अब टू नो द फिजिक्स हैज वेल हैज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैटर। ठीक है, अब व्हेन टू इलेक्ट्रॉन आर केप 1 सेंटीमीटर अपार्ट फोर्स बिटवीन देन आर हैज फॉलो। फ्रेंड अब जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रखेंगे तो उन दोनों के पार्ट में जो फोर्स लगेगा वो हम देखेंगे फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5.5×10⁻²⁻⁶ न्यूटन ड्यू टू देयर मास। अब जो उनका मैग्नीट्यूड होगा अट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हमारा ये है, ये याद रख लेना ये यूनिट, और वो जो उनके मास के बीच में है ड्यू टू उसके मास के बीच में वो है। ठीक है, ये चीज़ है 5.5×10⁻²⁻⁶ न्यूटन। अब ये होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है रिपल्सन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, अब वो है 22.3×10⁻²⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, ये तो हमारा ख़त्म। अब फ्रेंड्स अगर आप रहे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारा मेरा क्लास का पेज फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमें वहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैंने याद दिला दिया। ठीक है, अब दिस रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, ड्यू टू द चार्ज ऑन इट, क्योंकि उन पे चार्ज है उसकी वजह से। अब द फंडामेंटल ये क्या है इंस्ट्रेंसिक प्रॉपर्टी, अब इंस्ट्रेंसिक का मतलब होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंस्ट्रेंसिक का मतलब होता है भाविक स्वाभाविक। और अगर आप ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं बिलोंगिंग नेचर नेचुरली। ठीक है, वो आप लिख लेना। ठीक है, अब ये तो हमारा मीनिंग ये रहा। ठीक है, अब द फंडामेंटल इंसेंस्ट्रिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द फोर्स एसेंस्ट्रिक कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मार्क आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
तो वो हम क्लियर करते हैं। तो द रीज़न अराउंड द चार्ज इन विच द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेवलिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ठीक है, अब पहले तो क्लियर करते हैं प्रेवलिंग क्या है। तो प्रेवलिंग है हमारा, प्रेवलिंग जो है वो है हमारा, हिंदी में इसका मतलब है प्रचलित। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं तो हमारा मतलब है एग्जिस्टेंस और मोस्ट कॉमन ऑन एट अ पर्टिक्युलर टाइम और पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पे 100 लाइक और सब 100-200 सब्सक्राइबर्स आ जाने चाहिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे इस चैप्टर से रिलेटेड आगे बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जॉइंट चैनल पे जॉइंट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ये चैप्टर का अगला वीडियो आए, अगली टॉपिक आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत ज्ञान से भर जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।